तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं मटर पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मटर ली है, आधा किलो पनीर लिया है, एक मैंने लिया है टमाटर जो मैं मिक्सी में पिसवाऊँगी, एक मैंने लिए प्याज ये भी मिक्सी में पिसेगी, और मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्च, 2 टीस्पून धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून लिया है मैंने, 1 टीस्पून लिया है गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार लेना है, और मैंने पनीर मसाला लिया है, ये बहुत टेस्टी होता है। तंदूरी मसाला मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इसकी बहुत अच्छा मैं पहले भी बना चुकी हूँ रेसिपी, अभी दिखा रही हूँ मैं आपको, शेयर कर रही हूँ पहले भी। लेकिन मैंने ये 2 टीस्पून लिया है मैंने पनीर जो है तंदूरी मसाला, ये हम इसमें डालते हैं मटर पनीर में, तो बहुत टेस्टी बनता है मटर पनीर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, डबल हो जाएगा। तो ठीक है, दिखाते हैं फिर किस तरह से मटर पनीर हम बनाते हैं, उम्मीद करूँगी रेसिपी पसंद आएगी। हमने 1/2 टीस्पून लिया है ज़ीरा, इससे जो है हम तड़का लगाएंगे, मसाला इसी से भूनेंगे ज़ीरे से। ये मटर छीली जा रही है, हरी एकदम ताज़ा मटर है बिल्कुल, अब जाड़ों का सीज़न है तो बहुत अच्छी मटर मिलेगी इस टाइम में। तो बढ़िया मटर है, जितने आप लोग समझे उस हिसाब से क्वांटिटी रखें हर चीज की। हम ये टमाटर पिसवा रहे हैं मिक्सी में, टमाटर हमारे ये पीस गए हैं, अब हम प्याज पिसवा रहे हैं, टमाटर पिस चुके हैं, प्याज भी हमारी पिस गई है, बारीक करके हमने प्याज पिसवाई है, पिस गई है प्याज, पनीर कटवा रही हूँ। चौकोर पीस कटवाऊंगी मैं पनीर के। दुकान बहुत हो गया है, दुकान बहुत चल रहा है, खासी दुकान, चकूटे काटना ही काट रही हो, सारे ऐसे ही काटना है। ये पनीर हमारा सारा कट गया है, इस तरह से हमने पनीर कटवाया है छोटा छोटा, इससे मसाला अच्छी तरह से अंदर बैठ जाता है, नमक भी बैठ जाता है, इस तरह से पनीर को काटना चाहिए। तो हमने गैस ऑन कर दी है और हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल 1 भर के डालेंगे बस, जब तेल खोल जाएगा तो फिर इसमें जीरा डालेंगे। अभी तेल को खोलने देते हैं अच्छी तरह से, तेल जब खोलेगा तो इसमें से धुआं निकलने लगेगा, तब समझिए तेल खोल गया है। अब ये हमारा ऑयल जो है ये खोल गया है, अब हम इसमें जीरा डाल रहे हैं, हल्का सुनहरा जीरा जो है भूनेंगे इसमें, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें,
लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको भूनना है अच्छी तरह से। अब हम इसमें प्याज डालना है, प्याज डाल के भूनेंगे। थोड़ा पानी डाल रहे हैं ताकि मसाले को अच्छी तरह से भून लें, वो भून जाइए। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं, अब ये सारे जो मसाले हैं हल्दी मिर्ची धनिया हम ये डालेंगे इसमें, इसको डाल के भूनेंगे। अच्छी तरह से भूनना है, गैस को स्लो कर रही हूँ, कर देंगे थोड़ा सा, इसको ढक के पकाएंगे। हमारा जो है भुनने पे आ गया है, ये बहुत बढ़िया भुना है, सुनहरा हो के मसाला हमारा। मटर डालेंगे अब हम इसमें, मटर डालने में। अब हम इसे मटर को इसके अंदर थोड़ा सा भून लेंगे डाल के, फिर इसमें पानी डालेंगे ताकि मटर गल जाए। और ये वाला हम मसाला डालते हैं पनीर मटर का मसाला, इसको भी ये भी साथ में भून जाएगा। मसाला हमारा तेल जो है छोड़ चुका है, अब मटर गलने के लिए हम पानी डाल रहे हैं थोड़ा, ताकि मटर खूब गल जाए। स्लो पे हम लगा देंगे इसको। अब हमने ढक दिया है, स्लो आंच पे लगा देंगे इसको। हम इसे खोल रहे हैं, देखते हैं मटर गली या नहीं गली। मटर का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, लगता है मटर गल गई है, बिल्कुल हलवा हो गई। हाँ ठीक है, मटर गल गई। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे किसी भी, टमाटर डाल के थोड़ा पकाएंगे, रसेदार बनाएंगे, ये रसेदार अच्छे होते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे ताकि रसा अच्छा बन जाए, इसका रसेदार बनवाएंगे ये मटर और पनीर। अब हम इसमें जो है पनीर डाल देंगे, पनीर डाल के बस एक ही बार चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि पनीर टूट जाएगा। बस इसे 10 मिनट पकाएंगे, फिर हमारी ये तैयार हो जाएगी। 10 मिनट लगाना है, बस इसे ढक देंगे। हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला अब देखिए कितनी अच्छी तरह से पकना है, बहुत अच्छा कलर आया है। सबसे लास्ट में डालना है गरम मसाला। ये हमारा बन गया है, अब हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रहे हैं। कसूरी मेथी से खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये है हमारी कसूरी मेथी। अब हम गैस को कर रहे हैं बंद, तो ये हमारा बन चुका है मटर पनीर। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बनाइए। इसको पराठे से खाइए या नान से खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है ये। चावल से खाइए, जैसे जैसे जिसकी जो भी पसंद है, बहुत टेस्टी होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ही बढ़िया हमारे ये मटर पनीर बन के रेडी हुआ है, अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे।
देखिए कितना बढ़िया बन गया हुआ है, रसेदार हमारा मटर पनीर का सालन, बहुत ही टेस्टी। उम्मीद करूँगी तो पसंद आएगा आपको ये।